इस बार आईफोन आपको और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो गया है और सबका अच्छा कलर में इस बार अवेलेबल है। मतलब बहुत सारा कस्टमर का डिमांड था कि छोटे मॉडल में भी बढ़िया कलर अवेलेबल किया जाए, जैसे कि बहुत सारा पीसेस ब्लैक कलर में आता था तो बहुत सारे कस्टमर कलर का डिमांड करे, तो ज़्यादातर पीसेज रोज़ गोल्ड और सिल्वर कलर में इस बार अवेलेबल किया गया है और गोल्ड कलर भी अवेलेबल है। जिनको भी कम बजट में अच्छा कलर में प्लस ज़्यादा बैटरी बैकअप, बड़ा डिस्प्ले, सब कुछ चाहिए, वो आपको आईफोन 7 प्लस लेना प्रीफर कर सकते हैं। और आईफोन 11 प्रो भी इस बार अवेलेबल है बहुत अच्छा कंडीशन में, कहीं भी एक सिंगल डेंट या स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। आईफोन का 13 प्रो भी आ गया है, ये भी आपको पूरा कंपनी का 10 महीने का वारंटी मिल जाएगा। मात्र 2 महीने का फ़ोन चला हुआ है, बैटरी पूरा 100 रहेगा, प्लस आपका बॉक्स वगैरह सब कुछ साथ में है। और आईफोन का AC 2020 भी आया हुआ है इस बार और वो भी वारंटी में अपने पास इस बार अवेलेबल किया गया है और बहुत ही अच्छे कलर में अवेलेबल है, एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन है। आईफोन का 12 मिनी आ गया है, सारा 5G मॉडल है, ये अपने पास मात्र आपको 2800 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। आईफोन का XR वगैरह भी अवेलेबल है क्वान्टिटी में और MI का 10i 5G भी आया हुआ है, 108 मेगापिक्सल कैमरा होता है, 5G मॉडल होता है। प्लस एंड्रॉयड में भी इस बार भरपूर स्टॉक आ गया है, ये आपको पूरा 5000 से कम का बहुत सारा पीसेज इस बार अवेलेबल किया गया है। बहुत ज़्यादा कस्टमर अब कम दाम में फ़ोन लेना प्रेफर कर रहे थे पर उनको मिल नहीं पा रहा था, इस बार हम लोग कम दाम में अच्छा क्वांटिटी में अवेलेबल कराए हैं, 5000 से कम का सारा फ़ोन अवेलेबल है। और भी नीचे और भी क्वांटिटी रखा हुआ है, जगह नहीं होने के कारण आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सारा का जितना हो सकेगा रेट कवर किया जाएगा। ये APR से आपका जो स्टेशन की ओर जाने वाला रोड है, APR से स्टेशन की ओर जाने वाला रोड है, यहाँ देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ATM है और सामने यूनियन बैंक ATM है, इसके ठीक सामने हमारा दुकान है। ये बोर्ड लगा होगा, बोर्ड आप लोग देख सकते हैं। आईफोन का 7 आ गया है, 7 अपने पास बहुत सारा पीसेस इस बार अवेलेबल है, सारा 7 है। 7 अपने पास 32GB होगा तो अपने पास मिल जाएगा मात्र आपको 9 से 10 हज़ार रुपये के रेंज में, डिपेंड करेगा कलर और बैटरी हेल्थ पे। अगर ब्लैक कलर होगा तो 9000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा और रोज़ गोल्ड वगैरह होगा तो 10 हज़ार रुपये में आपको 32GB अवेलेबल हो जाएगा। और 128GB अपने पास मात्र आपको 10 हज़ार 10.5 हज़ार रुपये के रेंज में ब्लैक कलर मिल जाएगा, और अगर रोज़ गोल्ड वगैरह या सिल्वर कलर हुआ तो 11.5 हज़ार रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। प्लस बैटरी सबका आपको 85 प्लस मिलेगा। आईफोन का 6 है, ये अपने पास 64GB है, मात्र आपको 6000 रुपये मिल जाएगा, थोड़ा कंडीशन रफ है इसलिए। आईफोन का 6S है, 6S आपको 64GB अवेलेबल है, प्लस बहुत अच्छा कंडीशन में सब मिल जाएगा। ग्रे कलर लीजिएगा तो आपको मात्र 9000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा और रोज़ गोल्ड या गोल्ड कलर लीजिएगा तो आपको 9500 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। आईफोन का AC 2020 करके मॉडल आता है, AC 2020 इस बार आपको वारंटी वाला भी अवेलेबल है, इसका 6 महीना 2023 तक का वारंटी है। ये आपको 2022 दिसंबर मतलब जनवरी पूरा ये साल तक पूरा वारंटी बचा हुआ है, 2022 तक का पूरा वारंटी मिलेगा आपको। वारंटी चाहे तो आप लोग एक्सटेंड भी करा सकते हैं, सबका बैटरी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा, प्लस नीट एंड क्लीन कंडीशन में दोनों फ़ोन है। और AC 2020 आपको ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, ब्लैक कलर जो लेना चाहते हैं वो आपको मात्र 14000 रुपये मिल जाएगा और ये दोनों पीसेज आपको वारंटी वाला जो पीसेज है वो आपको 16500 रुपये में मिल जाएगा। आईफोन का 11 प्रो है, 11 प्रो आपको मात्र एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में फ़ोन है, बैटरी सबका आपको 85 प्लस ही मिलेगा, ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 90 के आसपास होगा। ये अपने पास मिल जाएगा 38000 में, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में, कहीं पे भी एक स्क्रैच नहीं मिलेगा आपको, ना ही डेंट मिलेगा आपको। 12 मिनी आ गया है, 12 मिनी आपका 5G मॉडल में अवेलेबल है और तीनों आपका इंडियन फ़ोन है, प्लस बॉक्स भी होगा इसके साथ में। ये अपने पास मात्र आपको 28000 रुपये के रेंज में 64GB मिल जाएगा और अगर 128GB हुआ तो आपको 30000 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। आईफोन का XR है, XR अपने पास मात्र आपको 20 से 22 हज़ार रुपये के रेंज में 64GB मिल जाएगा और 128GB अगर है तो अपने पास मात्र आपको 24 से 25 हज़ार रुपये के रेंज में मिल जाएगा, डिपेंड करेगा कलर और कंडीशन पे और बैटरी हेल्थ पे। पिक्सल का 3XL करके मॉडल आता है, ये अपने पास मात्र आपको 11000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। ये कैमरा फ़ोन होता है प्लस गूगल का ऑफिशियल फ़ोन है, इसमें अपडेट सबसे पहले आता है। सैमसंग का A52 करके मॉडल आता है, कैमरा वगैरह बहुत अच्छा होता है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला मॉडल है, ये अपने पास मात्र आपको 9500 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। MI का 10i 5G करके मॉडल आता है, ये अपने पास 12000 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा।
5G मॉडल है और 108 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। कैमरा क्वालिटी भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया होता है नेट पे। ये 24,000 रुपये का नया में लगभग प्राइस है, अपने पास 12,000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। वन प्लस का 70 मॉडल है, बहुत ज़्यादा डिमांड में ये फ़ोन होता है, गेमिंग फ़ोन होता है, प्रोसेसर वगैरह बहुत बढ़िया है इसका, नॉर्ड वगैरह से तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर होता है वन प्लस में 70 सीरीज़ में। और दोनों आपको अपने पास मात्र आपको ये अपने पास 16,000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। 8128 है और 8256 होगा तो 17,500 में अवेलेबल हो जाएगा। ओप्पो का रेनो 8 है, ये अपने पास मात्र 2 महीने का चला हुआ फ़ोन है, तो कंडीशन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन होगा। ये अपने पास मात्र आपको 22,500 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। ओप्पो का रेनो 8 मात्र 2 महीने का चला हुआ, 10 महीना कंपनी वारंटी। गूगल का पिक्सल 4a करके मॉडल आता है, ये अपने पास 13,000 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। 6GB 128GB वेरियंट है, बहुत ही बढ़िया कैमरा फ़ोन होता है, आपको नया में लगभग 32,000 रुपये का रेट है, अपने पास मात्र आपको 13,000 रुपये का रेंज में मिल जाएगा। आईफोन का 13 प्रो आ गया है, 256GB वेरिएंट है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में फ़ोन है, कहीं पे भी एक सिंगल स्क्रैच या डेंट नहीं मिलेगा आपको। बैटरी हेल्थ पूरा 100 मिलेगा, मात्र 2 महीने का ये फ़ोन चला हुआ है और अभी आपको 10 महीना एप्पल का वारंटी मिलेगा, डब्बा वगैरह सब कुछ है साथ में। ये आपको मात्र अपने पास 90,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, एक भी कहीं भी सिंगल स्क्रैच नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा कंडीशन में फ़ोन है और सेहरा ब्लू कलर के कलर आता है, बहुत ही प्यारा कलर है। ये अपने पास मात्र आपको 90,000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा, ब्रांड न्यू कंडीशन में है, प्लस 10 महीना आपको एप्पल वारंटी भी मिल जाएगा। और भी छोटे मॉडल का रेट कवर करते हैं, रेडमी का नोट 10 एस ये सब मॉडल आता है, ये अपने पास थोड़ा सा रफ कंडीशन में इस बार आया हुआ है, ये अपने पास मात्र आपको 7,000-7,500 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। GB वगैरह मुझे चेक करना पड़ेगा, ध्यान में नहीं है, ये 6,64 शायद आता है नोट 10S और ये 4,64 या 6,128 होगा। नोट 10T 5G करके मॉडल आता है, ये अपने पास मात्र आपको 9,500 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। 9 महीने का चला हुआ फ़ोन है, अभी 2 से 3 महीना कंपनी का वारंटी मिल रहा है, ये अपने पास 9,500 रुपये के रेंज में मिल जाएगा, अभी 2 से 3 महीना कंपनी का वारंटी है। ओप्पो का F53 करके मॉडल आता है, 6GB 128GB वेरियंट है, प्लस 5GB आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, 6+5=11GB रैम हो जाएगा। कैमरा क्वालिटी वगैरह हर चीज़ इसमें बहुत ही बढ़िया है, बैटरी बैकअप अच्छा है, ये अपने पास मात्र आपको 8800 में मिल जाएगा। ऐसे दुकान पे रेट आपका 9,500 रुपये है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए आप लोग, जो रेट वीडियो में बताया गया है वो सिर्फ पूरा जो देख कर आ रहे हैं वीडियो, पूरा जो चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं उन्हीं के लिए ये रेट रहेगा। वीवो का Y20 करके मॉडल आता है, ये अपने पास 6,500-7,000 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। ओप्पो का A5 2020 करके मॉडल आता है, ये अपने पास थोड़ा सा रफ कंडीशन में है, ये आपको 6,000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। ऐसे बैक पैनल एक और पीस है, उसका बैक पैनल थोड़ा सा फ्रेश है, वो अपने पास 7,000 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। ओप्पो का फिर A3S मॉडल है, ओप्पो का A3S मॉडल है, ये अपने पास मिल जाएगा 4,450 रुपये के रेंज में, एक और पीसेस है, ये अपने पास 5,000 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। ओप्पो का F9 प्रो है, ये अपने पास 7,000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया कैमरा फ़ोन होता है, फ्रंट कैमरा इसका 25 मेगापिक्सल होता है, नया में काफ़ी महंगा फ़ोन था 24 से 25,000 रुपये के रेंज में, ये अपने पास मात्र 7,000 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी छोटा मॉडल में हर का तो प्राइस नहीं कवर कर पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 5,000 के अंडर में बहुत सारा फ़ोन इस बार अवेलेबल है, एक एक का एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता पाएंगे, दुकान पर आइएगा रेट मिल जाएगा आपको, और भी क्वांटिटी में फ़ोन अवेलेबल है, प्लस इस बार आपको एयरपॉड का क्वांटिटी का कोई कमी नहीं होगा, एयरपॉड अपने पास बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, पीछे भी और लगा हुआ है, ये अपने पास 1400 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। एक और पीस आया है, वो आपका वारंटी वाला एयरपॉड है, तो वो आपको 1600 रुपये के रेंज में प्रोवाइड कर देंगे, मतलब ब्रांड वारंटी उसमें शो करेगा और साउंड क्वालिटी और भी बढ़िया होगा,